ये देखो ऊपर बीएन वेनिदास यानी कि वेलकम स्पेनिश में, और अब हम ऑफिशियली निकारागुआ में कदम रख रहे हैं। इमिग्रेशन स्टार्टिंग, aquí vamos a revisar pasaporte. ऑफिस इमिग्रेशन ऑफिस पासपोर्ट aquí. मैं बोला कि भी आप लोग मेरे को ऐसे ट्रीट क्यों कर रहे हो, इसके पीछे क्या रीजन है? तो उसमें से एक आदमी बोला कि भी इंडियन हो तुम, इंडियन पासपोर्ट है इसलिए। एक जो उनमें से इमिग्रेशन वाला काफी सही था आदमी, वो बोला कि भी ना 3 दिन में अप्रूवल आ जाएगा, तू इस पे अपना एप्लीकेशन भर के भेज दे। ये देखो कि कैसे रेसिज्म फेस करना पड़ा निकारागुआ के इमिग्रेशन ऑफिसर्स के द्वारा, सिर्फ ये रीजन कि भी इंडियन पासपोर्ट होल्डर है, और रात को इसको वापस भेज दो, फिर इसको ह्यूमिलेट करो, इसकी वीडियो बनाओ कि ये हमारे देश से बाहर निकल गया। जैसे कि तो भाई मैं कोई आतंकवादी आ गया था इनके देश में, तो करकुर आगे ऑनलाइन फिर वो फॉर्म भी भरने की कोशिश करी, पर उसमें भी इंडियन भरते ही वो फॉर्म आगे नहीं बढ़ता, तो इसलिए अब जाके एम्बेसी निकारागुआ की उधर उनको बोलूँगा कि मेरे को वीजा दो। बस एम्बेसडर मिल जाए, बंद होने में 15-20 मिनट बची है, पुणे 5 हो गए, 5 बजे बंद होती है। तो हुआ क्या होगा कि ये वक्त से पहले बंद कर गए शायद आज, और अगर अंदर है भी तो क्या पता हो सकता है, जान करके ना खोल रहे हो। उस भाई ने जो गार्ड था उसने कल मेरे को कहा था कि पीछे से आना, हाँ ये होगा मेरे ख्याल। यार कोई मजाक चढ़ रहा है क्या यार, इधर इन्होंने पोस्टर चिपका रखे कि मंडे टू फ्राइडे 12 बजे तक खुली है, ऑफिशियल टाइमिंग 5 बजे तक का है, वो गार्ड बोल रहा है कल आ जाना। ग्रासियस अमिगो। तो भाई एक और दिन आ गया मैं दोबारा धक्के खाने एम्बेसी के। Pero todo el mundo tiene que hacer eso. Busque una persona que se lo haga y lo manda. ¿Cuándo llegará el embajador aquí? Es que es lo mismo que yo le estoy diciendo, le va a decir. Counter pe ek ye buzurg aadmi the. To maine unhe ja ke meri situation samjhai. Jawab mein unhone farrattedar Spanish bolni shuru kar di aur mere ko ek parcha diya. Bole ki parche pe ek link hai. लिंक पे जाके अपना फॉर्म भरो, वही लिंक जो मेरे को इमिग्रेशन पे दिया गया था कि भी ये लिंक भरो, इसके बाद तुम्हें परमिशन मिलेगी, उसके बाद तुम वीजा ले सकते हो। फिलहाल मैं हूँ मेदजीन में अपने हॉस्टल में, तो मैं दरअसल एक बहुत ही स्पेशल डेस्टिनेशन दोबारा एंटर करने की ट्राई करने वाला हूँ। पहली बार मेरे को एंट्री नहीं मिली, दूसरी बार भी मैंने बहुत ट्राई करा, जी हाँ निकारागुआ। अभी से लगभग 2.5-3 घंटे बाद मेरी फ्लाइट है बोगोटा की, तो अभी मैं निकल रहा हूँ एयरपोर्ट के लिए, एयरपोर्ट से पहुंचूंगा बोगोटा, बोगोटा से मेरी फ्लाइट है सैन होजे विच इज द कैपिटल सिटी ऑफ कोस्टारिका। मैं लैंड हो गया बोगोटा, कैपिटल सिटी ऑफ कोलंबिया। जिन जिन ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी और उन्हें सिचुएशन का नहीं पता, मैं उन्हें बता देता हूँ। मैंने ट्राई किया था होंडुरस से एंटर करने का निकारागुआ में, लेकिन जब मैं उनकी बॉर्डर पे गया, बॉर्डर पे पहुंचा, तो उन्होंने मेरे को एंट्री नहीं दी, ये देख के कि ये इंडियन है, और क्योंकि कोई इंडियन इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में आता नहीं है ट्रैवल करने, बहुत अनयूजुअल है, तो देख के थोड़ा चौक सा भी गए थे कि भाई ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है, किस लिए आया है, उन्हें यूँ भी सको कोई स्पाई तो नहीं है। मैं आ गया हॉस्टल में और ये कमरा है मेरा, पुणे 8 हुए, लेकिन मैं आराम करूँगा क्योंकि मुझे कुछ ही घंटे बाद बस लेके निकलना है। जो बस स्टैंड है वो यहाँ से बहुत नज़दीक है, मतलब 300 मीटर होगा, लेकिन कहता नहीं मेरे को कहा कातलीना ने कि भी पैदल मत जाइयो, और रिसेप्शन वाले ने भी कहा पैदल मत जाना, रात को ऊबर लेके जाना सेफ नहीं, स्पेशली क्योंकि आपके पास लगेज है। सुबह के हो गए 2:45, मैंने ऊबर करा ली, निकलते हॉस्टल से बाहर, चलते बस स्टैंड, 2 बजे उठ गया था, थोड़ा सा आराम कर लिया, फिर फ्रेश होके चलते बाहर, 15 मिनट में बस है, ऊबर आ गई वैसे ऑलमोस्ट बाहर। ये गेट ना बंद रखते हैं सिक्योरिटी के लिए, तो जब भी बाहर कोई आता है पहले कैमरे में देखते हैं फिर खोलते हैं। Muchas gracias. Yeah, yeah, bhai, bus terminal wo khadi bus udhar. यहाँ पे एक स्टॉप सा लिया है रास्ते में, वक्त हुआ है सुबह के 6 बजे, चले हमें हो गए 3 घंटे,
और अभी मेरे ख्याल बॉर्डर डेढ़ घंटे दूर हो रही यहाँ से निकारागुआ की। ये देखो ये ट्रक से अमेरिका में जो दिखते हैं, यहाँ पे सारे इस तरह के ट्रक्स है सेंट्रल अमेरिका में। अबेंगा, अबेंगा, अबेंगा। आ, आ, आ। मिल गई से तो चावल। रास्ते में ना खूब सारी गाय दिख रही थी, मतलब खेतों वगैरह में, और इनकी गाय बहुत सिमिलर लग रही थी मेरे को अपनी इंडियन गायों से, जैसे अपने साहिवाल नस्ल की गाय होती है नॉर्थ इंडिया में जो दिखती है, तो मैं कंफ्यूज सा था। फिर ना एक गाय के फार्म के बाहर लिख रखा ब्राह्मण ब्लांको और ब्राह्मण रोहो, ब्लांको मतलब वाइट, रोहो मतलब लाल। तो मैंने सोचा ब्राह्मण क्यों लिख रखा, फिर मैंने गूगल किया तो पता चला अमेरिकन ब्राह्मण ये नस्ल है बेसिकली, इंडिया से गाय बुला के अमेरिका में उनके हाइब्रिड बनाए थे और उसे अमेरिकन ब्राह्मण बोलते हैं, और वही नस्ल की सारी गाय यहाँ पे है कोस्टा रिका में, तो अपनी जैसी गाय है इनकी बिल्कुल सिमिलर थी। बाकी ये इनकी पॉपुलर बियर है इम्पीरियल ला सर्वेजा दे कोस्टा रिका, यानी कि द बियर ऑफ कोस्टा रिका। जो मोंटे वर्दे फॉरेस्ट है ना, या मोंटे वर्दे क्लाउड फॉरेस्ट है, वो उस तरफ है, मतलब उधर थोड़ा सा आगे जाके उस डायरेक्शन में बेसिकली। ये आखिरी शहर है बॉर्डर से पहले, ला क्रूज नाम से, कोस्टा रिका का आखिरी टाउन। फिर पेन्यास ब्लांकास बॉर्डर है अभी 15-20 किलोमीटर आगे निकारागुआ की। भाई करेंसी चेंज करने आया, इनकी करेंसी है निकारागुआ की निकारागुआन कोर्डोबा, और एक यूएस डॉलर में 35-36 निकारागुआन कोर्डोबा होते हैं, और एक इंडियन रुपी में, सॉरी एक निकारागुआन कोर्डोबा में 2.25 इंडियन रुपी 2.25, तो ये एक्सचेंज कर रहा है डॉलर में, एक डॉलर के बदले 34 का रेट दे रहे हैं, और चाहे कोस्टा रिकन पैसो चेंज करा लो चाहे यूएस डॉलर चेंज करा लो। Para Nicaragua, toda nacionalidad que no sea de Honduras, El Salvador, Yagibay, border. Yeah, bhai, border. ये मेरे ख्याल पहले कोस्टा रिका की इमिग्रेशन होगी। मैं तो मेरे बैग ले आया दोनों, मेरे कुछ नहीं भरोसा है निकारागुआ वालों का, उल्टा भेज दे बस छुटकी तो मेरा बैग बस में चले जाएंगे। मैं तो तैयार हूँ यहाँ पे बॉर्डर पे सोना पड़े तो उसके लिए भी। उसे टाइम मार दी इन्होंने तो स्टैम्प देखते ही पासपोर्ट, पहले एक बार शक्ल मिलाई वो इमिग्रेशन वाला चौक गया, अभी तो खैर कोस्टा रिका की थी इधर से बाहर निकलने की, एक बार तो चौक गया इंडियन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इंडियन पासपोर्ट देख के मेरी शक्ल मैच कर रहा, पासपोर्ट में मेरी मुच्छे है दरअसल बड़ी बड़ी अभी है नहीं, तो थोड़ा कन्फ्यूज़ था, पर उसने स्टैम्प देखी इतनी सारी समझ गया कि ट्रैवलर ही है जेन्युइन आदमी, डोंकी नहीं मार रहा। जितनी आसानी से ही हो गया बस निकारागुआ वाला अभी ऐसे ही हो जाए, सारे बस में चढ़ गए, फिर यहीं पे निकारागुआ गया, बस वहाँ पे रुकेगी थोड़ी सी आगे। पूरे रास्ते मेरे को पूरे सफर में एक मिनट भी नींद नहीं आई इस सोच में कि पता नहीं अब की बार घुसने देंगे या नहीं घुसने देंगे, घुसने देंगे या नहीं घुसने देंगे, पूरे रास्ते 6-6.5 घंटे हुए भी चले हुए, रात के 3 बजे चले थे, 9:30-10:30 हो रहे बस में। ये भाई आया और कोविड रिपोर्ट मतलब वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देखा तो क्या इनके कहाँ समझ में आना था, और ये पर्चा सा दे दिया ताकि इमिग्रेशन पर टाइम ना लगे। कोविड वैक्सीनेशन कंपलसरी है यहाँ पे एंटर करने के लिए निकारागुआ के लिए, और अगर आपके पास वो नहीं है तो पिछले 72 घंटे के अंदर नेगेटिव कोविड टेस्ट रिपोर्ट होनी चाहिए, और इसके अलावा शायद ये येलो फीवर वैक्सीन भी मांगते हैं, पर इसने देखी तो नहीं, देखते नहीं, पर फिर भी करा के जाओ तो बेहतर है। लैटिन अमेरिका में मतलब साउथ अमेरिका में और अफ्रीका ट्रैवल करने से पहले येलो फीवर तो करा ही लें। तो एक बंदा तो कस्टम वाला फॉर्म ले गए, और एक बंदा इमिग्रेशन वाला आया था पासपोर्ट चेक कर रहा है सबके, मेरा देखा थोड़ा सा जांच पड़ताल करी और निकल गया, और वो यूरोपियन वालों को तो देखते ही उल्टे दे रहे वो वाला भाई। चलो भाई अभी तक तो सब सही चल रहा है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं।
दिल की धड़कन तेज होने लग रही है मेरी तो। बैग निकाल लिए सबके बस में से, क्योंकि कस्टम वगैरह चेकिंग होगी शायद, और कह रहे सारा सामान लेके उतर जो सारे लोग, बस में कुछ नहीं छोड़ना। एक तो फोन उठाते ही इधर सारी ये दिखती है ब्राउन टाट, ये देख लो सारा के बाल सारे यूरोपियन। चलो भाई परीक्षा ही घड़ी आ गई एक बार फिर इमिग्रेशन ऑफ निकारागुआ। स्वागत है कंट्री नंबर 57 निकारागुआ। आधा पौना घंटा मेरी इन्वेस्टिगेशन करी, मेरी वजह से सबको रुकना पड़ा, आगे चल के स्टोरी बताऊंगा, पहले सांस ले लूँ। तो भाई फाइनली ये मेरी छठी या सातवीं ट्राई थी निकारागुआ एंटर करने की। एक बार मैं होंडुरस की बॉर्डर पे आया, फिर उसके बाद मैं होंडुरस की कैपिटल सिटी तेगुसिगाल्पा में, तीन अलग अलग दिन इनकी एम्बेसीज में गया, उसके बाद मैं बोगोटा में कोलंबिया कैपिटल सिटी में इनकी एम्बेसी में गया, उसके बाद कोस्टा रिका है वहाँ से, फिर यहाँ से बॉर्डर क्रॉस। छठी या सातवीं ट्राई थी, पता नहीं इतना ज़्यादा टाइम पैसा और एफर्ट्स मैंने बर्बाद करे थे। जो लगा लो 100,000 रुपये तो मैंने सिर्फ एंटर करने में लगा दिए अभी तक, और एफर्ट्स तो वो तो रीइंबर्स हो ही नहीं सकते, इतने ज़्यादा एफर्ट्स लगाए थे मैंने इधर एंटर करने के लिए। और ये मेरा आखिरी तो खैर गिवअप मैं बहुत पहले ही कर चुका था, पर सोचा ये पार्ट में छोड़ रहा हूँ तो एक और ट्राई कर लूँ लास्ट में। करी कोशिश और अब की बार बात बन गई। दरअसल क्या हुआ, यूरोपियंस थे जाते ही सबको देख रहे थे कि भाई अंग्रेज है, उनके तो पासपोर्ट देखते सीधा स्टैम्प मारे थे हमेशा की तरह, और मेरा पासपोर्ट देखते ही चौंक गए आगे सारे ऑफिसर्स। वो अंदर ले गए, पासपोर्ट स्कैन कर रहे, इंटरोगेशन कर रहे, पूरी एक एक चीज़ देख रहे कि भाई पासपोर्ट असली है क्या, अमेरिकन वीज़ा असली है क्या, एक एक स्टैम्प देख रहे हैं, और दफ्तर छोड़ के चले गए। मेरे पीछे लाइन लगी है, सारे बाकी टूरिस्ट रुके हुए मेरी वजह से दुखी हो रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, सारे परेशान हो गए, सोच रही है क्या हो रहा है, ऐसे भी होते हैं क्योंकि इनको ज़्यादा टाइम यूरोपियंस को। मैं बोला चिंता ना करो, ये आम बात है, इंडियन पासपोर्ट के साथ ऐसा होता है। बोले ऐसा क्यों होता है, फिर उन्होंने बताया कि लीगली काफ़ी इमिग्रेंट्स अमरीका जाते ही शुरू से, तो ये सब कोई सोचते हैं डोंकी मार रही लीगली अमरीका जा रहे हैं, तो वो सारे चौंक गए। ऐसे भी होता है, मैं अपना शांत खड़ा क्योंकि मैं तो प्रिपेयर था इस चीज़ के लिए। कर पूरा आगे भाई, फाइनली एक एक चीज़ पूछी, कहाँ रुकूँगा, कितने दिन, क्यों जा रहा हूँ, कहाँ पे, नंबर A to Z, मतलब फुल जांच पड़ताल के बाद फाइनली उन्होंने देखा कि भाई मेरी वजह से बाकी टूरिस्ट दुखी होने लग रहे हैं, तो कर पूरा आगे मोर मार दिया कि अगर मैं अकेला होता ना तो शायद ये फिर से वापस भेज दे। मेरे पास मिनिस्ट्री का अप्रूवल भी था अपनी बार, पर इन्होंने वो चेक नहीं करा, कर ही रही मतलब एंट्री। तो ये थी भाई मेरी वीडियो, इसको यहीं ख़त्म करते हैं। आगे की वीडियो अपनी कार हुआ कि आने वाली वीडियोस में देख सकते हो। ज़्यादा टाइम मैं इधर नहीं बिताना चाहता क्योंकि इन्होंने मेरे को ठीक से ट्रीट नहीं करा, तो मैं अपना पैसा और टाइम अब और बर्बाद इधर नहीं करना चाहता, दो चार दिन थोड़ा घूम के फिर निकलते हैं। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय। सारे सेट हो रखे हैं भयंकर।